नमस्ते। भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी फिलहाल राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहे हैं और भविष्य में स्थिति और खराब होने की उम्मीद है। दक्षिण एशिया में इसे गंभीर संकट के तौर पर देखा जा रहा है। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में घमासान मचा हुआ है, पर इस बीच कई लोगों ने भारत में भी तख्ता पलट के दावे करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सोचने वाली बात यह है कि जिन तत्वों ने भारत में बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरह मुल्ला गर्दी जैसी घटना होने की बात कही, वह इसी तबके से आते हैं। इन जाहिलों की वजह से फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत एक तिहाई यूरोप, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में मुल्लाई हुड़दंग हो रहे हैं और अब यह भारत में भी ऐसी स्थिति पनपने के मुल्लाई ख्वाब देखने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जाहिलों की पाकिस्तानी सोच क्या भारत में भी कामयाब हो सकती है। हालांकि CAA और NRC जैसे कानूनों के बहाने कुछ लोगों ने ऐसे हालात बनाने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन जब पिछवाड़े पर लट पड़े तो कुछ मिनटों में मैदान के मैदान साफ हो गए। मुल्ला देशों में लोकतंत्र की अपेक्षा मुल्ला तंत्र हावी रहता है। इन देशों में अगर टोपी भी सिलाई जाती है तो दर्जी भी जालियां गिनकर बनाता है, क्योंकि हर चीज को मजहब के आईने से देखा जाता है और मजहबी मानसिकता संविधान और लोकतंत्र पर सूसू करने के लिए काफी है। स्थिति यह है कि जितना बकलोल मुल्ला, उसी के पीछे पूरा गली मोहल्ला। भारत में मुल्ला गर्दी अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है जहां इनके सुर में सुर मिलाया जाए। इस बात को भी गंभीरता से समझना होगा कि कांग्रेस या दूसरे दलों ने इन्हें अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है और मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से हमेशा वंचित रखा है। इसकी एक वजह यही थी कि अगर ये पढ़ लिख गए तो एक दिन भारत के लिए खतरा बन जाएंगे और दिल्ली की सत्ता तक पहुंच सकते हैं। भाजपा की अपेक्षा सभी दलों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है, लेकिन वर्तमान सरकार ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर थमाकर खुद ही देश के सामने संकट लाने का काम किया है। जो लोग कल तक पॉलीथीन बीनने का काम करते थे, अब सत्ता तक पहुंचने की उनकी महत्वाकांक्षा सामने आ रही है। वह इस ख्वाब को पूरा करने के लिए लोकतंत्र की बजाय मुल्ला तंत्र का सहारा लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि संख्या बल की कमी के चलते सुरक्षित तरीके से सत्ता मिलना असंभव है। पर सवाल यह है कि कुछ फंटर और लफंडर की बकलोली से उनके मंसूबे क्या पूर्ण हो पाएंगे? क्या वे भारत में तख्ता पलट करने में कामयाब हो सकते हैं? जहां तक बहुसंख्यक वर्ग की बात है तो वह ऐसा करने की कभी नहीं सोच सकता है। हाँ, कुछ गद्दार और विदेशी ताकतों के मोहरे ऐसे असफल प्रयास जरूर कर सकते हैं, पर भारत का बड़ा तबका लोकतंत्र की भावनाओं के प्रति बेहद ही समर्पित है। वह कभी भी ऐसा करने का विचार तक नहीं ला सकता है। जहां तक सेना की बात है तो सेना भी कभी भारत पर शासन नहीं कर सकती, जैसा कि मुल्ला देशों में देखा जाता है। असल में जिन देशों में लोकतंत्र ज्यादा मजबूत रहा है, वहां पर सेना के पास असीमित शक्तियां नहीं रहती है। उन देशों में सेना सरकार के अनुसार ही काम करती है। भारत की सेना भी फंडरों की सेना नहीं है, बल्कि भारत की सेना का जैसा इतिहास रहा है वहां पर अनुशासन ही सर्वोपरि है। उसका एक कारण यह है कि भारत की सेना के जो सिद्धांत है वो पश्चिमी देशों से प्रभावित है और उन पर इस्लामिक देशों का कोई प्रभाव नहीं है, जहां गद्दी के लिए राजा को तो छोड़िए अपने बाप भाई तक को ठोक दिया जाता है। दरअसल अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, उनकी तमाम पॉलिसियों का देश पर गहरा प्रभाव रहा है। ऐसे में सेना भी इससे अलग नहीं रह पाई। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रही, कभी लगा कि सेना के अंदर भी बगावत हो सकती है, लेकिन एकजुटता का मंत्र ऐसा था कि उसने कभी भी सेना को लक्ष्मण रेखा पार करने नहीं दी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो पश्चिमी देश है और जहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, वहां पर कभी भी तख्ता पलट की कोई घटना नहीं देखी गई, जबकि मुल्ला देशों में यह एक खेल बन चुका है। भारत में सेना ताकतवर जरूर रही है, लेकिन पूरी तरह सरकार के अधीन भी है। सेना सभी मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट रही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही सेना की शक्तियां स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने यहां तक साफ कर दिया था कि देश में हमेशा सरकार ही सुप्रीम रहने वाली है और रक्षा मंत्री का पद सबसे बड़ा रहेगा। सेना के प्रमुख उन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। यहां भी ताकत का बंटवारा कुछ ऐसा रहा कि सेना कभी भी सरकार से बड़ी नहीं बन सकी। यहां तक कि जब 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया, सेना ने तब भी मर्यादा नहीं तोड़ी, जबकि उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ तीनों सेना प्रमुख को एक हो जाना चाहिए था। तब की PM से स्थिति को लेकर बात करनी चाहिए थी,
पर चूंकि भारत में लोकतंत्र रहा और सेना ने खुद को राजनीति से अलग रखने का फैसला लिया। उस दौर में भी सेना ज्यादा ताकतवर दिखाई नहीं दी। माना जाता है कि तख्ता पलट वहीं पर होता है जहां पर अस्थिरता बन जाती है। राजनीतिक दल खुद से कोई फैसला नहीं ले पाते, लेकिन भारत में कभी ऐसी स्थिति नहीं आ पाई। उतार चढ़ाव आए भी तो उसके सियासी समाधान निकाले गए। ऐसे में सेना का प्रयोग सिर्फ युद्ध आंतरिक सुरक्षा तक ही सीमित रहा है। इसी वजह से भारत की बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी और देश से तुलना नहीं हो सकती। एक कारण यह भी है कि देश मुल्ला तंत्र से नहीं चल रहा है। प्रशासन पूरी तरह अनुशासित है और हवाबाजों की मानसिकता का समय समय पर विश्लेषण होता रहता है। जो इस दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है उसके पिछवाड़े भी तोड़े जाते हैं। इस शक्ति ने देश पर मुल्ला तंत्र को हावी नहीं होने दिया है। देश के कई राज्यों में मुल्ला तंत्र पर नकेल कसी जा रही है, क्योंकि सरकार जानती है जैसे अन्य देशों में मुल्लाई उड़दंग हो रहे हैं, लोकतंत्र के बाने कुछ तत्व यहां भी ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं। इसलिए इनके इरादों को भांप कर इनको ख्वाबी म्याऊ बनाया जा रहा है और ये ऐसे ख्वाबों में गधेय नर्तक करते हुए भारत में भी तख्ता पलट की बकलोली कर रहे हैं। जबकि ऐसी संभावनाएं कम से कम एक देशभक्त तो कभी व्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार से मतभेद या विरोध हो सकते हैं, पर देश को अस्थिरता में धकेलना कोई नहीं चाहेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।